Hello class, welcome to maths class once again. So how are you all? I hope you all are doing good. So students, yesterday we have done some new topics of chapter number 7, that is multiples. Okay, we have discussed the meaning of multiples, factors of multiples, how to find the multiples and what are multiples, everything. We have near about discussed each and everything about the multiples, that what is the meaning of multiples, how we find multiples, and what are the various properties of multiples. Okay, so today we are going to start with the next exercise that is related to multiples only. But before starting that exercise, I would like to just recall whatever we have done yesterday, so that it will be easy for you to remind all the things that we have already done. Clear? Okay, so let's begin with the first one, that what is multiples. Yes, multiples kya hote hain? Multiples kya hote hain beta? The multiples is the number that is, matlab, multiples हम मेन चीज की किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई, उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, दैट नंबर एंड दैट आंसर, दैट बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर. ओके, सो मल्टीपल्स होता है कि किसी भी नंबर से आप, मतलब सपोज यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12, एंड 4 4s आर 16. आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल्स, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट टू राइट इट बिफोर. ओके, सो देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं. अब मैंने आपसे बोला कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, सो दीज 4, 8, 12 एंड 16, दीज आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4. क्लियर? मल्टीपल होता है अगर हम जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालना है, सपोज कि मतलब उसका पहला मल्टीपल क्या, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 3 से, एज ए सो ऑन. ओके, सो मैंने उसे आपको डिफरेंस भी बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मल्टीपल्स एंड द फैक्टर एंड द डिफरेंस ऑल्सो. ओके, अब देखिए, अब मल्टीपल्स और फैक्टर्स में मैं आपको एक चीज और बताऊं, दैट मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड. वो जितना भी आप जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई, देखिए 10 के बाद 11, 12, मूव ऑन, मतलब करते रहोगे तब तक वो खत्म नहीं होती. तो मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड, बट जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं. अगर हम किसी नंबर का, सपोज अगर मैं इसी 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगी, अगर आपको मैं पूछू व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4, अगर हम इसी के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, सो फैक्टर्स ऑफ 4 विल बी 1, 2 एंड 4, दैट्स इट. तो 4 के बाद, मतलब 1, 2 और 4 के अलावा कोई फैक्टर होगा 4 का? नो. सो दैट मीन्स दे आर लिमिटेड, बट इसको आप जितना मर्जी 4, 5 से 6 से 7 से 8 से, मतलब जितना भी आप मल्टीप्लाई करोगे आगे आगे उसके आंसर्स आते जाएंगे, आगे आगे आपके पास उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे. क्लियर? सो द फैक्टर्स आर लिमिटेड एंड द मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड. ठीक है, सेकेंड थिंग, जो मल्टीपल्स होते हैं दैट स्टार्ट विद द नंबर, मतलब उसी नंबर से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि मैंने 4 का मल्टीपल निकाला तो ये 4 से ही स्टार्ट हुआ. ओके, तो मतलब द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है. सो द स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ, सॉरी द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. बट इन फैक्टर दैट नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर उसका सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है. मल्टीपल सबसे छोटा होता है, एंड इन द फैक्टर इट इज द ग्रेटेस्ट. सो द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. तो मल्टीपल में वो सबसे छोटा हो जाता है, मतलब मल्टीपल सबसे छोटा भाई हो जाता है, लेकिन अब उसको हम फैक्टर में बताते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा भाई हो जाता है. क्लियर? ऐसे आपको याद रहेगा कि इन द मल्टीपल द नंबर इटसेल्फ इज, वो सबसे छोटा बच्चा हो गया घर में, एंड इफ वी फाइंड द फैक्टर्स तो वो उसमें सबसे बड़ा, वो नंबर खुद ही सबसे बड़ा भाई हो गया, दैट इज द फैक्टर. क्लियर? ऐसे आपको याद रहेगा. क्लियर? और मैंने भी आपको क्या बताया था कि जो फैक्टर्स आर लिमिटेड एंड दीज आर अनलिमिटेड. क्लियर? सो जो द फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, जिस भी नंबर, जैसे हमने यहाँ पर 4 का फैक्टर निकाला है,
तो इसमें वन और टू वो देखिए फोर से स्मॉलेस्ट हैं, द फैक्टर इज ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर, बट इन मल्टीपल्स द नंबर जिसका मल्टीपल हम निकाल रहे हैं दैट इज ऑलवेज बिगर देन और दैट इज ऑलवेज बिगर और इक्वल टू द नंबर, दैट जो मल्टीपल्स कैन नेवर बी स्मॉलर देन द गिवन नंबर, जिस देन द नंबर जिस नंबर का हम मल्टीपल निकाल रहे हैं वो. सो अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं तो या तो वो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, बट इट विल नेवर बी बिगर देन द नंबर, बट इट मल्टीपल्स इट विल बी इक्वल टू द नंबर और इट विल बी द बिगर देन द नंबर, बट वो कभी भी उससे छोटा नहीं होगा. तो जो भी है, जो एक चीज याद रखिए, मल्टीपल्स कभी भी छोटे नहीं हो सकते एंड द फैक्टर्स दे कैन नेवर बी बिगर. क्लियर? So these are the difference between the factors and the multiples. Now you understood what are multiples? Multiples mean after multiplying any number, after multiplying the given number with any number, the answer we get there, all those numbers are the multiples of the given number. Clear? So moving next to the properties of multiples. What are the various properties of multiples? Let's discuss it first. Although we have done it before also, but I'll just give you a quick recall of this one also. Okay, so what are the properties of multiples? Properties kya hoti hai beta multiples ki? Every number is a multiple of one. Jo har number hai wo one ka multiple hota hai. Every number is the multiple of one. Next, every number is a multiple of itself. हर नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल होता है. जैसे हमने यहाँ पे किया है 4 × 4, दैट इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो. सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ ऑल्सो. नेक्स्ट, एवरी जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, और जो जीरो है वो हर नंबर का मल्टीपल होगा. ओके, जैसे कि 4 × 0 इज इक्वल टू 0. सो 0 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. क्लियर? नेक्स्ट, इवन देखिए ग्रीन नोट दिया हुआ है नीचे एक छोटा सा, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नंबर, सॉरी एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल या तो बड़े होंगे या इक्वल होंगे, दिट कैन नेवर बी स्मॉलर. ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द एक्सरसाइज, दैट इज 7.4. सो एवरीबडी काइंडली ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 80. ओके, एन एक्सरसाइज 7.4. देखिए बेटा इसमें हमने क्या करना है, दैट वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स. अब हम इसमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझाती हूँ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल्स. आफ्टर दैट आई वी विल सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3. क्लियर? सो सपोज यू आर गिवन, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स, सॉरी फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 7. फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 7. सो योर क्वेश्चन इज फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 7. You have to find the first three multiples of 7. आपको 7 के पहले थ्री फर्स्ट मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए, अगर हमारे जो आपको पता काउंटिंग की शुरुआत किससे होती है, जीरो से होती है, नो डाउट. ओके, बट हम इसमें जीरो एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ द वन. ओके, सो द फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 7 × 1 इज इक्वल टू 7. 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21. So the first three multiples of 7 is 7, 14, and 21. Okay, so this is how you are going to find the first three multiples of 7. Okay, so अगर आप किसी भी numbers का multiple find out करना है आपको, simply मतलब जितने नंबर, सपोज आपको फर्स्ट टू मल्टीपल्स का तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का, फर्स्ट 10 मतलब पहले 10 के 10 मल्टीपल कौन से हैं, ये उस केस में है. अगर वो आपसे फर्स्ट सारे वाले पूछ रहे हैं कि फर्स्ट 5, फर्स्ट 10, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, ठीक है, तो मतलब मोर देन 10 कभी भी नहीं जाएगा. ओके, तो देखिये फर्स्ट फोर मल्टीपल थ्री मल्टीपल्स ऑफ 7 इज, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 7
आर 7, 14 and 21. सो इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स आर 7, 14 and 21. क्लियर? सो देखिए बेटा, ऐसे हम किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे उनको फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो फर्स्ट थ्री हो, फर्स्ट फाइव हो, फर्स्ट सिक्स हो, फर्स्ट टेन हो, जो भी होंगे. क्लियर? लेट्स ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सम. अब हम अपना सम स्टार्ट करेंगे. सो आई जस्ट इरेज इट. देखिए फर्स्ट थ्री और बाकी के तो हम पर्टिकुलर किसको एक मल्टीपल फाइंड आउट करना है. सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फाइंड द फर्स्ट थ्री मल्टीपल ऑफ 7, तो उसके लिए हमने एक एक नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया. ठीक है, बट सपोज यू हैव गिवन दैट यू हैव टू फाइंड ओनली द थर्ड मल्टीपल, आपको सिर्फ थर्ड मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? यस, इफ सपोज यू आर गिवन अ सम दैट यू हैव टू फाइंड द थर्ड मल्टीपल ओनली, सो इन दैट केस व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दैट नंबर विद द थ्री. जैसे कि सपोज आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द थर्ड मल्टीपल ऑफ 7, सो यू विल जस्ट सिंपली 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21. सो द थर्ड मल्टीपल ऑफ 7 इज 21. क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 7.4. सो क्लास काइंडली ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक एज वेल एट एक्सरसाइज 7.4, दैट इज पेज नंबर 80. सो काइंडली ब्रिंग योर बुक्स एंड नोटबुक्स व्हेनेवर यू वॉच द वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5. सो दैट मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू राइट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5. अब हमें 5 के फर्स्ट फोर मल्टीपल्स निकालने हैं. जैसे कि अभी इससे पहले मैं आपको एग्जांपल में बताया था कि इफ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर, फर्स्ट फाइव, फर्स्ट थ्री, फर्स्ट टू, फर्स्ट टेन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, तो आप क्या करेंगे, आप उस नंबर को उन अलग अलग मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे एंड सो ऑन दैट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. बट इन दिस क्वेश्चन यू इट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5. सो दैट मीन्स आप सिंपली क्या करेंगे, 5 को 1 से 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5. इट इज एज सिंपल एज दैट. ओके, सो बट जस्ट रिमेम्बर बेटा, फॉर मल्टीपल्स ऑल्सो दैट यू मस्ट नो द टेबल्स एज वेल, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फास्ट. ओके, अदरवाइज वो बैठ के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते रहोगे एंड दैट विल बी वेरी, दैट विल टेक यूर लॉट्स ऑफ टाइम. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. लिस्ट द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5. सो उससे पहले सबसे पहले हम देखिए प्रॉपर मेथड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्लियर? शॉर्टकट नहीं माना है. आई एम सीइंग इन द ऑनलाइन वीडियोस इवन व्हेनेवर आई आस्क यू टू शो योर नोटबुक्स, मोस्ट ऑफ यू लेफ्ट और जो शो करते हैं सॉल्यूशन जो मैंने वीडियो में इसमें बताया उससे बहुत अलग होता है. सो बेटा जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप यहां पे वीडियो देख रहे हो, जैसे मैंने सॉल्व किया, जो मेथड मैंने यूज किया है, यू यूज ओनली दैट मेथड. अपने मन से जैसे भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मत कर लेना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन द फैक्टर्स वेरी रॉन्ग, बहुत गलती से उन्होंने फैक्टर्स किए हुए हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं. सो जस्ट मेक श्योर यू जस्ट फॉलो द सेम प्रोसीजर व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 7.4. सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5. सो राइट डाउन फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 × 1 इज इक्वल टू 5. आप चाहे तो ऐसे से भी लिख सकते हैं, चाहे आप तो ऐसे से भी लिख सकते हैं. आई जस्ट राइट लाइक दिस बिकॉज एट लास्ट आई विल बी हैविंग द स्पेस इश्यू, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस लाइक दिस. ओके, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, सॉरी एंड लास्ट इज 5 × 4 = 20. So that means we have multiplied five with the first four numbers, that is 1, 2, 3 and 4. Okay, so in from this you conclude that what are the four multiples of 5? First four multiples of 5 कौन कौन से? 5,
10, 15 and 20. So at last you will write down first 4 multiples of, first 4 multiples of 5 are 5, 10, 15 and 20. Okay, so the first 4 multiples of 5 are 5, 10, 15 and 20. देखिए इसमें हमने क्या देखा कि सिंपली जस्ट वेन एवर हैव यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर फर्स्ट 4 फर्स्ट 2 किसी भी नंबर के आपको फर्स्ट मतलब शुरुआत वाले अगर वो पूछेंगे सो आपको ऐसे सॉल्व करके उसको प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन शो करके देन यू विल राइट द आंसर क्लियर सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग दैट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर ये लाइन लिखेंगे आफ्टर दैट You will write down 5 multiply by 1 because first 4 karne hai, so that means we will multiply with 1, 2, 3 and 4. Okay, hume first 4 multiples find out karne hai, to hum kisse kisse multiply karenge? 1, 2, 3 or 4. Theek hai? So, 5 multiply by 1 is 5. 5 multiply by 2 is equal to 10. 5 multiply by 3 is equal to 15. 5 multiply by 4 is equal to 20. Okay, so now found out the first 4 multiples of 5. अब हमने पहले 4 multiples 5 के find out कर लिए हैं. Okay, so at last we will write all these multiples. तो ये last के जो सारे numbers हैं, these are the multiples. Okay, so you will write first 4 multiples of 5 are 5, 10, 15 and 20. Clear? So first 4 multiples of 5 are 5, 10, 15 and 20. Clear? So this is how you are going to solve sum number 1 of exercise 7.4. Okay class? देखिए simply आपको just multiply करना है और कुछ नहीं करना है इसमें. Okay? You have just to simply multiply the numbers. How many multiples are required? उतनी बार आपको multiply करने. Just simple. It is as simple as that. Clear? So you can just pause your video here, beta, and just write the solution from here. Okay, and just make sure whatever you write in the solution, it should be proper. Kai bachche bahut galat galat likh ke send kare and that is very much wrong and I'm not going to accept it also. Clear? So just pause the video here and then write down the solution. Just write the solution, beta. Okay, so now moving next, I have to move next to the question number 2, which is, yes, exactly like this question number 1. Okay. So question number 2 is, list the first 5 multiples of 9. Now we have to find the first 5 multiples of 9. Ab hume 9 ke first 5 multiples find out karne hai. Just like this, we are going to find the multiples of 9, first 5 multiples of 9. Okay. So let's start with this also. Okay, I'll just erase it first. Okay, so now moving next to the question number 2. Ab hum question number 2 karenge. In that question number 2, we have to find the first 5 multiples of 9. So write down question number 2. Okay, beta, just make sure you all write the questions also. Clear? First 5 multiples. First 5 multiples of 9 are. अब आपको first 5 multiples बताने हैं 9 के. Clear? So again, same हम 5, 9 को 1, 2, 3, 4, 5, 5 से क्या करेंगे? Multiply करेंगे. 1 by 1. Okay? So 5 multiply by, sorry, now 9 multiply by 1 is equal to 9. Okay? 9 multiply by 2 is equal to 18. 9 multiply by 3 is equal to 27. Okay. 9 multiply by 4 is equal to 36. Done. 9 multiply by 5 is equal to 45.
ओके सो हमने क्या किया, हमने जस्ट सिंपली 9 को 1, 2, 3 और 4 और 5 से जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई किया एंड आफ्टर दैट वी गॉट 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9 सिंपली वी हैव रिटन द टेबल ऑफ 9 हमने सिंपली 9 का टेबल लिखा बेटा इसमें। अब अगर मैं आपको बोलूं तो वी हैव जस्ट सिंपली रिटन द टेबल ऑफ 9 हमने सिंपली 9 का टेबल लिखा है। क्लियर अप टू 5 क्योंकि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स तो 5 तक लिखा, फर्स्ट 9 करने पर 9 तक टेबल लिखेंगे, वट एवर इज आज वी विल राइट दैट ओनली। क्लियर सो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 36, 9 5s आर 45। ओके सो नाउ वी हैव फाइंड आउट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए वट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36 एंड 45। क्लियर सो वी विल राइट इट ऑल्सो, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 9, 18, 27, 36 एंड देन 45। क्लियर सो इफ यू दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9, मतलब दिस इज अ प्रोसीजर टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। अगर आपको किसी भी नंबर को कितने भी मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं दैट यू कैन यूज दिस मेथड ओनली। क्लियर सो इस हमने क्वेश्चन में हमने क्या किया दैट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। फॉर दैट हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 9 को 1, 2, 3, 4 और 5 सबसे लाइन वाइज मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 विद 1 वी गॉट 9, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 विद 2 दैट इज 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 विद 4 वी गॉट 36 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 9 विद 5 वी गॉट 45। सो ऑल दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 9। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36 एंड लास्ट इज 45। इज इट क्लियर? आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट वी हैव ऑलरेडी डन 2 सम्स एंड 1 एग्जाम्पल। तो अब आपको आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। क्लियर सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। ओके मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन। ओके जस्ट आई जस्ट फॉरगॉट, ओके इफ यू राइट वॉन्ट टू राइट द सोल्यूशन जस्ट यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड राइट द सोल्यूशन फ्रॉम हेयर। ओके सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स यू आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। ओके क्लास सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। यस लिस्ट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 7। यस एग्जैक्टली लाइक दिस क्वेश्चन दैट यू हैव नाउ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 17। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 17, तब आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं किसके, 17 के। क्लियर तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 17 विद 1 देन 17 विद 2 देन 17 विद 3 एंड आपको एग्जैक्टली ऐसी हेडिंग लिखनी होगी फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर देन 17 मल्टीप्लाई बाय 1 17 मल्टीप्लाई बाय 2 17 मल्टीप्लाई बाय 3 और जो भी उनका आंसर आएगा दोज आर द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 17। क्लियर सो दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एज योर होमवर्क, नाउ यू आर गोइंग टू डू दिस होमवर्क बाय योरसेल्फ ओनली। ओके क्लास अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज दैट फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 17 दैट यू आर गोइंग टू डू बाय योरसेल्फ ओनली। ओके आई होप देयर यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग ऑल दीज सम्स। ओके सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, फाइंड द 10th मल्टीपल ऑफ 16। ओके देखिए अब हमें क्या पूछा उन्होंने, 10th मल्टीपल ऑफ 16। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 16, अब उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि इसका 16 का 10th मल्टीपल कौन सा होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली हमें सिर्फ 10th मल्टीपल ही बताना है, हमें ये नहीं 1, 2, 3, 4 सबके पास नहीं जाना है, वी विल जस्ट हैव टू फाइंड फर्स्ट
सो यू हैव टू जस्ट फाइंड द टेंथ मल्टीपल, हमें सिर्फ टेंथ मल्टीपल बताना है. क्लियर? ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नो, डायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द टेंथ मल्टीपल ऑफ 16. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सॉल्यूशन भी बताया था कि दैट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल्स. ओके, और डायरेक्ट मल्टीपल जब बनाना, जैसे मैंने आपको बताया 7, तो आपको थर्ड मल्टीपल बताना 7 × 21. ओके, जस्ट ओके, आई जस्ट टेल यू विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सम. ओके, जस्ट आई जस्ट रिमूव इट, रिरेज इट फर्स्ट. ओके, सो आई होप यू हैव रिटन दिस. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फाइंड द टेंथ मल्टीपल ऑफ, फाइंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 16. अब आपको 16 का टेंथ मल्टीपल है जो फाइंड आउट करना है. ओके, वो आप कैसे करेंगे? ओके, लेट्स सी. ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 4. टू फाइंड टेंथ, टू फाइंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 16 का टेंथ मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई 16 by 10. ओके, अगर आपको किसी भी नंबर का डायरेक्ट मल्टीपल, जो पर्टिकुलर एक ही इंडिविजुअल या डायरेक्टली पर्टिकुलरली एक मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? वी विल जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई दैट नंबर विद द, जो जिस नंबर का, जो भी नंबर, उनको मल्टीपल फाइंड आउट करना है. क्लियर? जैसे कि इसमें टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ, सॉरी, टू फाइंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 16, मल्टीप्लाई 16 by 10. जस्ट सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई 16 by 10. ओके, नाउ 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 160. देखिए, हमने सिंपली वही किया, टू फाइंड द टेंथ मल्टीपल ऑफ 16, वी जस्ट मल्टीप्लाइड 16 विद 10, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 160. सो दैट मीन्स द टेंथ मल्टीपल ऑफ 16 इज 160. सो एट लास्ट वी विल राइट द सॉल्यूशन लाइक दिस. देयरफोर टेंथ मल्टीपल ऑफ 16 इज 160. क्लियर? देयरफोर दैट इज डिनोटेड विद द 3 डॉट्स हियर. आई होप यू कैन सी द डॉट्स फ्रॉम द वीडियो ऑल्सो. Therefore, 10th multiple of 16 is 160. Okay, I'll just write it there, ताकि आपको confusion ना हो कि 160 कहां से लेगा. Is 160. Clear? देखिए, जब हमने individual first 10 multiples find out करे, तो हमने 1 by 1 multiply किया. But in this, that we have to directly find the 10th multiple. So for that, what we have done? देखिए, हम स्पेशल क्या करते हैं, वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दैट नंबर. हम सिंपली उस नंबर को, जो मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है, उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. सो हमें उस पर हेडिंग क्या लिखेंगे? दिस इज द प्रॉपर वे दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चंस और सॉल्व योर सम्स. टू फाइंड टेंथ मल्टीपल ऑफ 16, मल्टीप्लाई 16 by 10. तो 16 का टेंथ मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? वी हैव जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड 16 by 10. Therefore, 10th multiple of 16 is 160. Okay? So, this is how you are going to find out the direct multiple of any number, jo bhi aapse poochha jaye. Clear? Just one thing I would want to ask you, tell you beta, that this is not, matlab hamesha ye nahi hoga that you have to find the 10th multiple also. Suppose aapko bola jaye that find the 7th multiple of, 7th multiple of 9. 7 मल्टीपल ऑफ 9, तो आप सिंपली 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर्स. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, डायरेक्ट मल्टीपल पर्टिकुलरली ईच मल्टीपल ऑफ अ नंबर. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 5.
फाइंड द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 23. फाइंड द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 23. तो अब आपको जो 23 है उसको सेवेंथ मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यस, एज ऑलवेज टू फाइंड सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 23 मल्टीप्लाई 23 बाय 7. जो भी आंसर आएगा देयरफॉर देयर दैट विल बी द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 23. आपको सिंपली 23 ऑफ 7 को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो दीज टू सम्स क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 that is similar, so that is you are going to solve it by yourself only. So today's your homework is that you have to do question number 3 and 5 by yourself only. Okay class, so this is your homework that you have to do question number 3 and 5. Okay, and the rest of the sums we will discuss in our next classes. Okay class, so I hope you understood whatever I have told you. So this is for today's session and I'll see you again in tomorrow's class. So till then everybody have a good day.